रामचरितमानस हमारे पूज्य ग्रंथ है, समझ गए, इसके बारे में अनाप साहब बोलना दिया, हम उसको पूजा करते हैं। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एस एस आई टू में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं बड़ी पटन देवी के पास है। एक देश में सियासत उबाल हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो है रामचरितमानस पर। यहाँ महंत विजय शंकर गिरी जी से भी हम जानकारी थे, उनकी क्या राय है? वैसे भी देश के तमाम जो भी ऋषि मुनि महंत हैं उनके विरुद्ध बताया कि रामचरितमानस पर ऐसे आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिए। चलते हैं, महंत विजय शंकर गिरी जी क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है? बाबा, अभी जो हाल फिलहाल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है, मतलब कि रामचरितमानस पर पूरे देश में उबाल हो गई। देखिए, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने ग्रंथ के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। यही चीज जो है एक मुस्लिम से बोला जाए तो वो अपने कुरान के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता है, समझ गए। ये सरासर बेईमानी है, ये ऐसी नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस हमारे पूज्य ग्रंथ है, समझ गए, इसके बारे में अनाप साहब बोलना दिया, हम उसको पूजा करते हैं, राम के आदर्श को अपनाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। इस तरह की बातें, अनर्गल बातें शोभा नहीं देती। हम वही लोगों से कहते हैं कि इस तरह के अनर्गल बातें से बचें, और जिस काम के लिए आप हैं आप उस काम को करें, बस। बड़ी पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी ने बिल्कुल तीव्र निंदा की है कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, खास करके आप जिस पद पर हैं, पद पर ही बने रहें और अपना कार्य करें, रामचरितमानस पर नहीं कहें। चलिए, देश के बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, क्या कहें, उनकी बातों को सुनते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें, क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूँ कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे, और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी, कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूँ कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे, कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीत कछु भाको भाई तो मोही बरजो भय बिसराई, अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना, ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। के बड़े कवि कुमार विश्वास ने बिल्कुल ढंग से समझाया गया है कि बिहार को शिक्षा मंत्री को किस तरह पेश करना चाहिए, और खास करके हिंदू समाज, हिंदू धर्म के एक मान्यता है कि रामचरितमानस हो, फिर रामायण हो, महाभारत, तमाम चीज़ों से वो उन्हें अवगत कराया, बहुत बखूबी ढंग से उनको समझाया गया। एस एस आई टू, आप देखते रहिए। जय महादेव।